Hey everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. My name is Zara. Today video skin whitening treatment for hands and feet. Guys, आज मैं आपको बहुत simple तरीके से बताऊंगी कैसे आप लोग अपने हाथों को और पैरों को गोरा कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी, 5 दिनों में 7 दिनों में। साथ में ऐसी जबरदस्त 2 टिप्स दूंगी जिसमें होममेड भी होगा और क्रीम भी होगा। अगर आप दोनों यूज करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप क्रीम्स यूज नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपके स्किन सेंसिटिव है, तो फिर आप होम रेमेडी यूज कर सकते हैं। सो दोनों आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले होममेड तरीके से, कैसे हम होममेड तरीके से अपनी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं। क्योंकि हैंड्स और फीट की जो स्किन होती है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो उसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी कि अगर आप होम रेमेडीज भी यूज करते हो तो आपको रिजल्ट देर से मिलते हैं, अगर आप उसे हफ्ते में एक आध बार ट्राई करते हो तो। लेकिन अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तो इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। साथ साथ अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार लगाते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो जान लेते हैं कि वो कैसे आपने करना है और किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। सो गाइस, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने हैंड एंड फीट को अच्छे से वॉश कर लेना है नॉर्मल नीम गर्म वाटर से। अगर आप छोटा सा एक काम और कर लेंगे तो उसके अंदर आप सॉल्ट और उसके अंदर आप लीमू भी छिड़क कर अच्छी तरीके से थोड़ा सा आप अपना शैम्पू या कुछ भी डाल दीजिए बॉडी वॉश, उसको अच्छे से झाग बनाकर उसमें हैंड्स एंड फीट्स को अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए रख लीजिए। उसके बाद किसी भी स्पंज की मदद से या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जिससे फीट्स के जो एड़ियां होती हैं वो साफ हो जाएं, आप उसको साफ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वॉश करके ड्राई कर लेने हैं। ड्राई करने के बाद आपने ये रेमेडी यूज करनी है। इसके लिए मैं यूज करूंगी 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर। राइस फ्लोर आपके स्किन को लाइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है, साथ साथ ये आपके स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है और आपके स्किन को टाइटन भी करता है। सो 1 टेबल स्पून में राइस फ्लावर ऐड करूंगी। सेकेंड इंग्रेडिएंट है मेरे पास बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है। आप टीथ के लिए भी इसको यूज करते हो, सो हम इसको यूज करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। आपकी हैंड्स एंड फीट के ऊपर ये बिल्कुल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपके हाथों को बहुत जल्दी से फियर करेगा। सो पहले ये पाउडर फॉर्म को मैं मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ले लूंगी मैं 1 टीस्पून के बराबर। कोकोनट ऑयल चूंकि इसलिए लिया है ताकि आपके हाथ जो है वो नर्म मुलायम और सॉफ्ट रहे, ड्राई ना हो, क्योंकि अक्सर रेमेडीज के बाद हाथ और पैर या फेस होता है तो वो ड्राई हो जाता है। उसके बाद मैं दूध इतना ऐड करूंगी, ये रॉ मिल्क है, आपको जो भी मिले आपने ऐड कर लेना है। इतना ऐड करूंगी कि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, यानी कि ना ज्यादा थिक हो ना ज्यादा पतला हो। सो इसीलिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और उसके बाद जो है मैं इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि ये अच्छे से इंग्रेडिएंट जो है वो मिक्स हो जाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है तो लेमन से आपको इससे जलन भी हो सकती है, पर लेमन ज्यादा अच्छा वर्क करता है। सो अब आपने इसे अप्लाई कर लेना है अपने हैंड्स पे। आप पूरे हैंड्स पे भी लगा सकते हैं इसको, बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी को भी फेयर करेगा। जिन लोगों की शादी होने वाली है सो मैं उन्हें कहूंगी आप इसे ट्राई करके देखिए, बहुत बेस्ट वर्क करेगा। सो गाइस, आपने इसे 10 से 20 मिनट तक लगा के रखना है, उसके बाद इसको धो लेना है। हफ्ते में 2 बार जरूर कीजिए, रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलेंगे। और इसे लगातार ट्राई करते रहिए, कहीं भी जाना हो आप इसे जरूर यूज कीजिए। अब बात कर लेते हैं क्रीम की, क्रीम कौन सी यूज करनी है। और हैंड्स एंड फीट्स के लिए जो क्रीम होती है वो स्किन वाइटनिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि स्किन वाइटनिंग क्रीम नहीं यूज करेंगे तो कलर कैसे फेयर होगा। सो गाइस, ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज्यादा क्रेज है अपने हाथ और पैर जल्दी गोरा करने का, या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि वो लोग जो कि 300 रुपीज की भी क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप रेमेडी यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं हम क्रीम की, तो क्रीम के मैं आपको यही कहूंगी कि आप कोई भी क्रीम स्किन वाइटनिंग लीजिए, उसके अंदर आपने 4 कैप्सूल ऐड करनी है स्किन वाइटनिंग जो मिल्की वाइट होती है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और वापस इसे कंटेनर में डाल दीजिए। रात को सोने से पहले हाथ धो लीजिए, उसके बाद ड्राई कीजिए और उसके बाद इसे अप्लाई करके सो जाइए। सुबह में अपने हैंड वॉश कर लीजिए, नर्म मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ ये गोलियों का कमाल होगा जो कैप्सूल होंगी आपको रिजल्ट देंगी, बाकी आप जो फेस के लिए स्किन वाइटनिंग हाइजेनिक क्रीम यूज करते हो वो ना यूज कीजिए। आप है वो वाली क्रीम आप हैंड्स पे यूज कीजिए, फेस पे यूज ना कीजिए। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही रिव्यू किया था क्रीम के ऊपर, वो क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं, उसका नाम आई थिंक प्योरिटी वाइट है, तो वो क्रीम भी यूज कर सकते हैं। आपको जो भी वाइटनिंग क्रीम मिले आप वो ले लीजिए और कैप्सूल ऐड कर लीजिए, बस आपके हाथ और पैर 5 से 7 दिनों में गोरे हो जाएंगे। लगाइए, नकल्स पे लगाइए और घुटनों पे लगाना चाहते हैं ब्लैक अगर आपके बहुत ज्यादा हैं तो वहां लगाइए,
जाएगी, आपके हैंड्स एंड वीट्स व्हाइटन हो जाएंगे, जो भी ब्लैक पार्ट है वो भी व्हाइटन हो जाएगा। लेकिन नेक पे यूज मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछने वाले हैं क्या हम नेक पे इसे यूज करें, तो नहीं, नेक पे से बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। जस्ट हैंड्स, फीट्स और जो आपके जो घुटने होते हैं ना, टखने, वो आप वहां यूज कर सकते हैं जस्ट। ओके सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी पूरा नहीं देखते हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में गाइस। आप लोगों का सिर्फ लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।